कमलनाथ आज दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को डिनर देंगे। इस डिनर में देश के साथ साथ प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये बैठक 15 जून को होगी। इससे एक दिन पहले वे डिनर आयोजित कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सहित प्रदेश के दिग्गज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक तनख्वा, अजय सिंह आदि इसमें शामिल होंगे। प्रदेश से कांग्रेस के एकमात्र सांसद और मुख्यमंत्री के पुत्र नकुलनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार डिनर डिप्लोमेसी के सहारे देश और प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को डिनर सीएम देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के भी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो हेड अरविंद खोकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, मुख्यमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी क्या है ये? डिनर डिप्लोमेसी जैसे देखिए हम आपको बताएं, जैसे ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीत हासिल की, उसके बाद जो हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस की पूरी गत हुई है, मतलब की मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीत पाया जो कि कमलनाथ के लड़के की है, तो उसको लेकर के जब से पहली समीक्षा बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपने बेटों को जितवाने में ताकत लगाई, न कि कांग्रेस के लिए। तो उसके चलते जो कांग्रेस आलाकमान और जो बाकी जो मुख्यमंत्री है खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके बीच में जो दूरिया जो नाराजगी है उसको भांपने के लिए और पार्टी की एक जिसको कहते था लेने के लिए, क्योंकि कमलनाथ एक जो है बड़े वरिष्ठ नेता है, राजनीति को समझते हैं, वो भापना भी जानते हैं, तो पूरा मूड क्या है कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर के, इसमें कई राहुल गांधी के करीबी जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, तो तमाम एक जो राजनीतिक जिसको कहते हैं झलक पाने के लिए, भनक पाने के लिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आलाकमान का रूप क्या होगा, उसके लिए डिनर डिप्लोमेसी की तहसील आज मुख्यमंत्री एक डिनर दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो आधिकारिक तौर पर जो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ये शिष्टाचारवश जो है डिनर है, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से कोई बड़ा जुलूस या कोई बड़ा एक प्रोग्राम नहीं किया गया था, लेकिन असली हकीकत इसके पीछे ये कि कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता जो कि वहां लगातार बार बार का बीजेपी भी दबाव बना रही है राजनीतिक नब्ज को भांपने के लिए, खास करके कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसके लिए ये डिनर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। जी बने रहिए अरविंद हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।